को किराए पे दुकान दी थी, तो 5-7 महीने किराया दे के और फिर वो मुकर गया, किराया नहीं देने लगा। हमने कहा किराया दो, तो उसने झूठे केस लगाए और किराया देना नहीं, खाली नहीं करवाना, हमको ज़रूरत है ऐसे करके हमको मतलब परेशान किया। आखिर में जैसे जैसे करके हमने कभी हमको तो दुकान चाहिए ना, यहाँ तो किराया दो। कितना किराया बाकी है? किराया तो 3.5 साल से मतलब 31-32 महीने का किराया है, तो वो नहीं दिया है अभी तक। फिर ये झूठे केस लगाते थे, अभी भी मतलब दुकान खाली करने के लिए हमको पसीना आ गया। कितना हमको, हम संभ्रात फैमिली से है, हमारा परिवार एक अच्छा सभ्य परिवार है, बेटा भी मतलब दान पुण्य में समाज कार्य में लिप्त है, मैं खुद मतलब समाज कार्य कर चुकी हूँ, उसके बावजूद हमें तकलीफ आने लगी इसके कारण। क्यों ये क्या नेता होताओं का दबाव बनाता? बिल्कुल है, सवाल ही नहीं उठता। अब किन का है मैं नाम नहीं लूँगी। हाँ। बाकी इन्होंने जो किए है ना, आखिरी तक मतलब हमको बहुत परेशान किया, झूठे केसों में फंसाया। एक लड़की के नाम से मतलब 3-3, 4-4 केस, मतलब एक मेरे बेटे के नाम से झूठे केस लगवाए। अच्छा। तो हमको पूरी जैसे टीम का मिला, कलेक्टर साहब हैं मनीष सिंह जी, उनके पास भी गए हम। मैंने कहा भाई हमने अपनी परेशानी बताई, उनको भी महसूस हुआ, उन्होंने भी कहा चलो भाई ठीक है मैं देखता हूँ, उन्होंने भी इंश्योरेंस दिया। और उनके उनके कारण फिर उन्होंने अपने स्टाफ को मतलब आदेश किया कि ये बराबर सही बात होनी चाहिए, जांच करके जैसा भी हो काम निपटाओ। तो उसके बाद मेरा नाम भगवंती गलानी है।